मेरे साथ नमित त्यागी और राजीव भी मुझे इस समय स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। नमित, इस समय आप पीएचडी चैंबर में मौजूद हैं, बात कीजिए, कौन आपके साथ हैं और इस बजट को लेकर उनकी क्या उम्मीदें हैं? बिल्कुल सरफराजी, मेरे साथ संदीप अग्रवाल हैं जो कि पीएचडी चैम्बर के सीनियर मेंबर हैं और रेलवे और टेलीकॉम डिपार्टमेंट को भली भांति समझते हैं, क्योंकि पिछले कई सालों में हमने देखा है कि रेलवे में तो कई बड़ी बड़ी सौगातें मिली है, वंदे भारत की बात करें कई काफ़ी सारी रूट्स पर चलाई गई हैं। इस बार के बजट से क्या उम्मीदें, क्योंकि हर बार जो रेलवे विभाग है उसको काफ़ी उम्मीदें रहती हैं और सरकार देती भी उस सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा। नहीं, रेलवे सेक्टर के अंदर तो काफ़ी ग्रोथ हुई है, आपके इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर जितना काम हो रहा है, ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर के ऊपर जितना काम हो रहा है, देखिए ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। जो इन्वेस्टमेंट्स हमने सोची थी आज वो एक्चुअली हो रही हैं और उनके लिए पैसा भी चाहिए, तो वो पैसा बजट्स में से ही जा रहा है। तो आई बिलीव कि वो बस वो रुकना नहीं चाहिए, किसी बहाने से या किसी रोक टोक से वो रुकना नहीं चाहिए। हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर जल्दी से जल्दी शुरू हों, इंडिया के एक्सपोर्ट को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, खास तौर पे नॉर्थ इंडिया के एक्सपोर्ट को। नॉर्थ इंडिया काफ़ी पिछड़ा हुआ है एक्सपोर्ट्स के मामले में, कम से कम 3 से 4% हमारे को डिसेबिलिटी है कंपेयर टू से गुजरात की जो कोस्ट के ऊपर इंडस्ट्री है उससे। तो हम लोग को अगर बिजनेस करना है, नॉर्थ को ग्रो करना है, तो ये ज़रूरी हो गया है कि ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर्स बहुत ही जल्दी पूरी तरीके से चालू हो जाए। और सिर्फ चालू, रेल की पटरी चालू होने से काम नहीं होता, हाँ। उसके ऊपर वो ट्रेन्स भी चलें जो कि 8 से 12 घंटे के अंदर दिल्ली से कांडला पोर्ट और बॉम्बे पोर्ट के ऊपर हमारे मटेरियल्स पहुँचा दें। अगर वो 12 घंटे में हमारे मटेरियल पहुंचा देंगे, फिर वो शिप्स भी हों जिससे कि वो हर रोज़ माल ले जाके दुनिया के अलग अलग देशों में ले जा सके। अभी अगर एक एक हफ्ते बाद एक शिप लगती है तो हमारे कस्टमर्स को महीनों लग जाते हैं। इसीलिए हमारे को रेल सेक्टर के अंदर सबसे पहले ज़रूरी है, आज की डेट में 7 दिन लगते हैं करीबन एवरेज में दिल्ली से कांडला या बॉम्बे माल पहुँचाने में रेल सेक्टर में। इसको घटा के सरकार 12 घंटे कर सकती है और हमने करना ही है, हमने सिंगापुर बनना है और हमारी यही एक्सपेक्टेशन है कि सरकार वो सब कुछ करेगी जो इसको 12 घंटे करने के लिए चाहिए। पीएचडी चैम्बर की तरफ से हर बार बजट से पहले सुझाव भी दिए जाते हैं, किस तरीके के सुझाव इस बार दिए गए और क्या युवाओं के लिए कुछ इस बार के बजट में मिल सकता है? देखिए, मैं या पीएचडी चैम्बर, हम ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि कोई छोटे मोटे डोल्स दे के लोगों को खुश कर दिया जाए। युवाओं को सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, कंफर्टेबल, जल्दी आप पहुंच सको। अगर मेट्रो, एयर कंडीशन मेट्रो आपको हर जगह रीजनेबल प्राइस के ऊपर सारी जगह ले जा पाएगी तब बेटर रहेगा, या हम एक्सपेक्ट करें कि हमारे को वो फ्री कर दिया जाए। तो वो मेरे को ये लगता है कि युवाओं के लिए सबसे ज़रूरी है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ मिले। हर शहर में इंडिया के मेट्रोस हों, चाहे बड़ी वाली मेट्रो ना हो, रैपिड मेट्रो हो, चाहे वो ट्रैम वाली मेट्रो हो, मगर ऐसी हों जो कंफर्टेबली एयर कंडीशन कंफर्ट के अंदर लोगों को जल्दी से जल्दी अपने गंतव्य पहुँचा सके। जो आज युवा गाजियाबाद या रिवाड़ी से दिल्ली आता है, आज उसको बहुत टाइम लगता है। इनसे पूछिए कि रोजगार में युवाओं को क्या मौका मिलेगा इस बार सरकार की तरफ से, रिवाड़ी और दिल्ली टू गाजियाबाद वगैरह। तो स्टूडियो से है, क्या इस बार रोजगार जो निकाले जाएंगे क्या उसमें युवाओं की भागीदारी होगी, युवाओं को मौका मिल सकता है? मौका तो युवाओं को ही मिलता है, जैसे ही ग्रोथ होगी, हम तो ये मान के चलते हैं ग्रोथ होगी, जब केक बड़ा होगा तो किरक सबको मिलेगी। और युवाओं को मैं ये मानता हूं कि वो किरक नहीं, बड़ा केक चाहिए। तो केक को हमारे को इतना बड़ा करना है कि हम जो भी ये फैसिलिटीज आएंगी
इस बारी के बजट में वो फैसिलिटीज लॉन्ग टर्म व्यू में आए कि युवाओं को लॉन्ग टर्म फायदा हो, शॉर्ट टर्म 2 रुपए जेब में आ जाएं उससे फायदा नहीं होगा, उनको उनकी इनकम बढ़े, ऐसे हम प्रपोजल्स चाहते हैं गवर्नमेंट से। कल जो आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया गया उसमें जो विकास दर की बात कही गई 6% से 6.8% तक विकास दर रह सकती है, लगता है कि देश के जो हालात हैं वो सुधर सकते हैं आर्थिक स्थिति की खासतौर पर बात करें? बिल्कुल, आज दुनिया में 6.1% ग्रोथ, इंडिया इज द लार्ज बिग कंट्रीज के अंदर सबसे हाईएस्ट ग्रोथ है, तो आज इंडिया पोल पोजीशन पे है। यूरोप जूझ रहा है लड़ाइयों से, वॉर से जूझ रहा है, अमेरिका रिसेशन से जूझ रहा है, हमारे सारे नेबर्स पाकिस्तान, इवन बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल सब तकलीफ में हैं, तो और हम ग्रो कर रहे हैं, तो मैं तो ये प्रे करता हूं कि जो हमारी नमित आपको रोकना चाहूंगा।